हाँ, तो आप कश्मीर आओगे और आप सोच रहे हो कि आप हाउस बोट में रुकोगे, स्टे करोगे, के अंदर कैसा क्या सीन कुछ होता है, कितना प्राइस है, और आप लोगों को इस बारे में ऐसा कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोएस्ट प्राइस में आप हाउस बोट ले सकते हो। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इतना चीपेस्ट प्राइस में आप लोगों को हाउस बोट बताऊंगा और ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत कम प्राइस में एक्सपीरियंस ले सकते हो हाउस बोट का। सो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले कश्मीर आना है, कश्मीर आने के बाद श्रीनगर आना है, श्रीनगर में डाल लेक है, डाल लेक पे आपको आना है। डाल लेक के बाजू में आपको एक रोड देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं रोड है, ये रोड के बाजू में आपको बहुत सारे गेट मिल जाएगा, ठीक है, गेट नंबर 1, 2, 5, 10, 12, 30 तक है शायद, एक को पूछा मैं बोला कि 30 तक है। सो ऐसे गेट आपको मिल जाएगा, तो एक एक गेट में एक एक लोकेशन में आपको हाउस बोट मिल जाएगा। सो जैसे गेट नंबर 1 है, तो गेट नंबर 1 पे आप ऐसे बहुत सारे शिकारा आपको मिल जाएगा, ये सारे बोट्स को, ये सारे नाव को शिकारा कहते हैं, तो शिकारा मिल जाएगा। सो शिकारा करके आप जा सकते हो, गेट नंबर 1 का एक लोकेशन है, वहाँ पर बहुत सारे आपको हाउस बोट्स देखने के मिल जाएगा। तो आप जो भी होटल देखोगे उस होटल में जो ले जाएगा आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ले जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया हाउस बोट तो आपको फ्री वापस यहाँ पर छोड़ देगा। और अगर आप पैसा देके आना जाना चाहते हो तो 10 रुपया लेगा ऐसा नॉर्मल, और यहाँ पर 50 रुपीज़ लेगा, ठीक है, 50 में आपका आ जाएगा ये, मतलब आपका हाउस बोट से यहाँ पर आने के लिए 50 रुपीज़ लेगा। टिप्स है कि कैसे आप चीपेस्ट प्राइस में आप हाउस बोट ले सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और मैं जो हाउस बोट में था उसका प्राइस कितना पड़ा वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्द से एक लाइक कर देना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आप तो ऐसे होटल में रहते हो, कभी कहीं पर घूमने जाते हो तो एक बार ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए ये हाउस बोट का। सो ये हाउस बोट मतलब दो जगह में है इंडिया में, एक केरला और एक है कश्मीर। सो इसका नज़ारा बहुत ही मस्त आता है, सो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डल लेक में आ जाना है, और आपको क्या करना है, आपको शिकारा पार करके जाना है। आप जितना गेट में जाओगे, सो गेट यहाँ पर डिवाइड है, तो आप जिस भी गेट में आप जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन टिप्स ज़रूर देखना लास्ट में, ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी चलते कुछ शिकारा वगैरह लेते हैं, फिर हाउस बोट आप लोगों को दिखाता हूँ, जो होटल में जो हाउस बोट में मैं रह रहा हूँ उस हाउस बोट को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर कैसा है क्या नहीं, और अंदर क्या सीन है और उसका व्यू। और ये जो डाल लेक का व्यू है, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मस्त व्यू है। सो अभी सो जो दोस्त लोग है वो वहाँ पर है, सो उसको लेके चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाउस बोट कैसा होता है, बोट हाउस कैसा होता है, आप जो भी बोल सकते हो, हाउस बोट, बोट हाउस। और ये सब पानी के ऊपर ही है, मतलब लेक के ऊपर ही है, तो आपको आना चाहिए अगर थोड़े बार ठंडी भी बहुत है। सो चलते हैं। सो गाइस ऐसा कुछ गेट होता है, ठीक है, तो ये 9 नंबर गेट है, तो हम लोग जो होटल लिया था वो 9 नंबर गेट में आके लिया था। सो आप देख सकते हो, आप इस नाव पे जाओगे तो आपको सिर्फ 10 रुपये लगेगा, अब शिकारा में अगर आप जाओगे 50 रुपीज़ लेगा। सो यहाँ से चलते हैं, तो हम लोग इसे जाते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है भाई, कौन सा नाव लिया, कौन सा नाव ने लिया ये, बैठने की जगह ही नहीं है भाई इस नाव पे। सो ऐसे यहाँ पर दो तरह का आपको नाव देखने के मिल जाएगा, हर एक गेट का हर एक अलग अलग लोकेशन होता है। गेट नंबर 8 में अलग आपको एक लोकेशन मिल जाएगा, गेट नंबर 9 पे अलग आपको एक लोकेशन मिल जाएगा। और मैं कैसा अभी यहाँ पर बैठा हूँ आप देख सकते हो, क्योंकि इस नाव पे बैठने की कुछ जगह नहीं है, सिर्फ एक ही है, और ये दोनों बैठ गए यहाँ पर। तो आप जो भी गेट में जाओगे, फिर गेट में आने के बाद यहाँ पर बहुत ही अंदर तक ये हाउस बोट है, मतलब छोटा नहीं है, बहुत सारा हाउस बोट आपको देखने को मिल जाएगा एक ही गेट में, मतलब एक ही गेट में बहुत बहुत सारा हाउस बोट है यहाँ पर। तो कितने सारे हाउस बोट है, सो हम लोग रुके हैं हाउस बोट में, सो आप लोगों को दिखाता हूँ वो हाउस बोट कैसा है क्या नहीं, अंदर से कैसा नज़ारा है। यहाँ पर आपको पहले बैठने का कुछ जगह मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगा, आप यहाँ पर बैठ के नज़र का फुल आनंद ले सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर बैठने की जगह भी है, तो यहाँ पर बैठ सकते हो आप, यहाँ पर भी बैठने की जगह है। और हाउस बोट में आने के बाद यहाँ पर भी आपको बैठने की जगह मिल जाएगा, सब आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बैठने की जगह है।
सब आप लोगों को अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। सो सबसे पहले आप अगर हाउस बोट में आओगे तो जूता शूज आपको बाहर ही खोलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर खोल के इसका अंदर आप रख सकते हो। सो चलते हैं अंदर, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसा कुछ है क्या नहीं, कैसे डोर ओपन हो जाता है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट वगैरह कहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो गाइस इसको आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हो, इसको आप डाइनिंग रूम भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप खा भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बैठ कर आप खा सकते हो, यहाँ पर बैठ कर आप टीवी भी देख सकते हो, यहाँ पर आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। सो ये ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम दोनों ही है। सो ऐसा कुछ अंदर आने में ऐसा कुछ नज़र आपको देखने को मिलता है, और ऐसे आप अंदर जा सकते हो, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से आपको जाना पड़ता है, यहाँ पर रास्ता है और यहाँ पर जो कमरा होता है, ठीक है, रूम होता है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको किचन भी देखने के मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो छोटा सा किचन है, बर्तन वगैरह आप यहाँ पर धो सकते हो, मतलब ये लोग यहाँ पर ही काम करते हैं, बर्तन वगैरह यहाँ पर धोते हैं, तो यहाँ इसका अंदर ही आपको किचन भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो उसके बाद मैं आप लोग को रूम दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इस हाउस बोट में तो सिर्फ दो ही रूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसा हाउस बोट होता है जहाँ पर 3-4-5 रूम होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है। सो फर्स्ट रूम है ये वाला, अब देख सकते हो ये रूम है, पहले लाइट को ऑन करते हैं। सो गाइस आप रूम देख सकते हो कैसा है क्या नहीं, और यहाँ पर कपड़ा वगैरह रखने का यहाँ पर आपको कवर मिल जाएगा, आप यहाँ पर रख सकते हो। सो यहाँ पर आप अपना थोबड़ा देख सकते हो, ठीक है, डस्टबिन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हो, पर बेड में आपको बहुत लेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ है, इस रूम पे आपको बेड को हीट करने का जो रूम हीटर होता है वो आपको देखने मिल जाएगा, आपका जो बेड है वो हीट हो जाएगा, बेड हीटिंग का भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, गीजर आपको मिलेगा, और फ्री वाईफाई भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ बाथरूम कैसा है क्या नहीं इसका। सो बाथरूम आप देख सकते हो कैसा है, मैं पीछे का कैमरा करके दिखाता हूँ पहले, सब देख सकते हो बहुत ही क्लीन है, और यहाँ पर टब वगैरह है नहाने का। सो हम लोग तो ये वाला रूम नहीं लिया, क्योंकि ये बेड उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, और हम तीन लोग हैं, तो इसलिए उसके बाद जो रूम है वही लिया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ऐसा बोल रहा था, तो इसलिए वो वाला रूम लिया। सो रूम तो अच्छा है, इसका प्राइस कितना है वो मैं आप लोग वीडियो को लास्ट में बताऊँगा, और एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब यहाँ पर 2 दिन रुका था हम लोग, तो 2 दिन रुक के कैसा लगा क्या नहीं सब कुछ बताऊँगा आप लोग को। और हम लोग जिस रूम पर रुके थे वो रूम आप लोग को दिखा था। सो वो जो रूम है, हम लोग जिस रूम पर थे वो ये वाला रूम था, लाइट ऑन करना भाई इसमें, है ना। सो यहाँ पर विंडो भी आपको देखने के मिल जाता है, यहाँ पर विंडो भी है, और ये था रूम जिस रूम पे हम लोग 2 दिन यहाँ पर स्टे किया। भाई रूम कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कुछ चीज़ मैं आप लोग बताऊंगा वीडियो के लास्ट में यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं चेकआउट, अभी इस रूम से हम लोग जा रहे हैं, 2 दिन यहाँ पर रुका था। सो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा विंडो मिल जाएगा, यहाँ पर हीटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर बेड हीटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब जो बाथरूम है वो सेम है दोनों रूम का, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा गंदा होगा शायद, क्योंकि हम लोग यूज़ किया था, सब देख सकते हो। सो रूम तो बहुत ही मस्त है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि रूम कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को ये रूम, ए बोट हाउस। सो गाइज अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो इस बोट हाउस का आनंद ज़रूर लेना, इस बोट हाउस का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर लेना, क्योंकि आप तो ऐसे सभी जगह घूमते हो, तो वहाँ पर तो आप ऐसे नॉर्मल होटल लेते हो, लेकिन ये बोट हाउस का फीलिंग्स इंजॉय कुछ अलग है, और व्यू तो भाई व्यू का बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर सब व्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब सर व्यू का ही पैसा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब ये बोट हाउस मिल जाएगा, मतलब लग्जरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपसे एक दिन का 10,000 भी लेता है, इतना लग्जरी हाउस भी, इतना लग्जरी बोट हाउस भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, अपना आपका जितना बजट है आप उस बजट में आप बोट हाउस ले सकते हो। ठंडी बहुत है यहाँ पर, बर्फ पड़ता है ना, स्नोफॉल होता है। हाँ यहाँ होता है। हाँ किस महीने में होता है? जनवरी में, फरवरी में होता है, जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है।
दिसंबर जनवरी जनवरी में आप अगर आओगे तो यहाँ पर आपको स्नो भी देखने के मिल जाएगा। तो अगर आप स्नो का मजा लेना चाहते हो तो आप जनवरी में आ सकते हो। आज गिरने का मौसम, गिरने का मौसम आज भी है। हाँ, इस महीने में, अगले महीने में है ना। हाँ, बर्फ अभी है, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, हर जगह पर बर्फ की बर्फ है। तो इसी अंकल का है वो हाउस, बोट हाउस। तो बहुत ही मज़ा आया घूम के और ये बोट हाउस में रह के, क्योंकि इसका जो नज़ारा है बहुत ही मस्त है। और आज जाने वाले है, आज चेकआउट है। फाइनली सबका बैग पैक हो गया, तो अभी निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। तो अभी चलते हैं, पैसा वगैरह देते हैं। पैसा देना जरूरी है? नहीं तो जाने नहीं देगा ब्रो। हाउस बोट का एक्सपीरियंस मैं आप लोग बताता हूँ, बाहर जाके आप लोगों से बात करता हूँ। मैं रूम चेकआउट कर दिया हम लोग ने, तो अभी चलते हैं। अंकल चलते हैं। अच्छा, खुदा, हाँ खुदा, फिर फिर से आऊँगा, ठीक है। सो बाय बाय, कोई भी आने वाला होगा तो पहले ही फोन करना। हाँ हाँ ठीक है, आज लास्ट डे है डल लेक में, क्योंकि होटल छोड़ दिया, होटल तो नहीं हाउस बोट है। सो अभी फिर से वापस जाना है, फिर मैं आप लोगों को पैर चाके मैं आप लोगों को बताता हूँ जो बताना था कि कैसा लगा रहने में और कैसे आप कम प्राइस में आप हाउस बोट ले सकते हो, हाउस बोट में आप स्टे कर सकते हो। तो मुझे कैसा लगा, दो दिन स्टे किया बोट हाउस में। सो रूम सर्विस, रूम सब कुछ सही था, लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगा वो है फूड सर्विस, क्योंकि वहाँ पर डिनर एक दिन किया था उस बोट हाउस में, तो वहाँ पर सब्जी भी बहुत ही कम दिया था और जो चावल था वो भी बहुत ही कम दिया, और तीन रोटी दिया था और 250 रुपया लिया, मतलब एक रोटी का 20 रुपया और सब्जी का 90 और चावल का 50। सो फूड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप बोट हाउस में आओगे तो बाहर ही खाना, क्योंकि बाहर आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सब कुछ सही था, मस्त था व्यू और वहाँ पर रूम सब सही था। तो आप अगर आओगे तो बोट हाउस ज़रूर एक दिन के लिए भी आप रुकना बोट हाउस में। और जो टिप्स है वो क्या है कि आप कम प्राइस में कैसे बोट हाउस लोगे, तो यहाँ पर आपको 5000 10000 का भी आपको बोट हाउस देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर 500-600 का भी बोट हाउस देखने के लिए मिलेगा। सो 500-600 का बोट हाउस आप कैसे लोगे, सो आपको क्या करना है, आप डल लेक में आप जब आओगे डल लेक गेट में आओगे, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गेट नंबर मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर गेट नंबर लिखा है, गेट नंबर 8। सो ऐसा आपका गेट नंबर देखने मिलेगा, तो आप जितने पीछे जाओगे ना, गेट नंबर 10, गेट नंबर 12, यहाँ पर आप आओगे तो आपको बहुत ही कम प्राइस मिलेगा, मतलब आप जितना पीछे जाओगे उतना कम प्राइस आपको देखने में मिलेगा। और मैं जो बोनस में था उसका प्राइस था 800, मतलब पर डे 800 लिया, और आप अगर और भी पीछे आप बोट हाउस लोगे तो आपको 600 में भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी का बोट हाउस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको लग्जरी अगर बोट हाउस चाहिए तो वो भी ले सकते हो, अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। सो 500-600 में भी आपको बोट हाउस मिल जाएगा। सो यही था टिप्स और कुछ एक्सपीरियंस। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर वीडियो का देना एक लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल रहेगा उससे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन कर देना है। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।